यह तो आप सभी जानते ही हैं कि किस प्रकार अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब हम हवाई जहाज के जरिए हवा में भी उड़ सकते हैं और एक देश से दूसरे देश तक काफी आसानी से और काफी कम समय में पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप ये जरूर जानते ही होंगे कि किस प्रकार किसी भी हवाई जहाज को उड़ाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसके लिए भी हमारे पायलट को काफी ज्यादा अध्ययन करने पड़ते हैं। उन्हें हवाई यात्रा को लेकर भी काफी सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि उन पर हवाई यात्रा करने वाले कई लोगों के जीवन की जिम्मेदारी होती है। और न केवल इतना ही बल्कि जो इंजीनियर हवाई जहाज का निर्माण करते हैं यह उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वह इसमें कोई भी कमी न छोड़े और छोटी से छोटी गलती ना करे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक छोटी सी गलती भी कई लोगों की जान ले सकती है जिसके कारण एक हवाई जहाज लोगों के जीवन की आखिरी यात्रा भी बन सकती है। तो अब इससे आपने यह अनुमान तो जरूर लगा ही लिया होगा कि आखिर यह सब कितना कठिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब इंसानों का आसमान में उड़ना केवल एक कल्पना मात्र था और आज के समय में इसे हम हमारी आंखों से सच होता हुआ देख पाते हैं। दोस्तों जब हवाई जहाज मौजूद नहीं हुआ करते थे तब कई लोग ऐसा सपना देखा करते थे कि वह भी किसी न किसी दिन तो चिड़िया की तरह आसमान में जरूर उड़ सकेंगे। इसलिए उस समय कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जो इन्हीं पंछियों से सीख लेकर कुछ ऐसे आविष्कार करने की कोशिश करते थे जिससे कि वे आसमान की ऊंचाई पर उड़ सके। आखिर राइट ब्रदर का नाम कौन नहीं जानता जिन्होंने जब हवाई जहाज का निर्माण किया था तब पूरे इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया था। हालांकि ऑर्विल राइट्स और विल्बर राइट्स से पहले भी कई ऐसे वैज्ञानिक और रिसर्चर रहे हैं जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार करने की कोशिशें की है। लेकिन हवाई जहाज बनाने की जो सबसे पहली कोशिश की गई थी जो सबसे पहला आविष्कार किया गया था वह लियोनार्डो दी विंसी द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों यह वही चित्रकार है जिन्होंने मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग बनाई थी। अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि यदि यह पेंटर है फिर आखिर इन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार कैसे कर दिया। तो यहाँ आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि लियोनार्डो दा विंसी ने 1480 से ही फ्लाइट एंड एविएशन पर गहरे अध्ययन करने की शुरुआत कर दी थी और उन्होंने लगभग 200 से भी ज्यादा कई ऐसे चित्र और स्केचेस बनाए थे जिनमें उन्होंने अपनी थ्योरीज ऑफ फ्लाइट्स को इलस्ट्रेट किया था। लियोनार्डो के ज्यादातर एविएशन डिजाइन्स कुछ इस प्रकार होते थे कि इनमें ऐसी मशीन का चित्र देखने को मिलता था जिनमें फ्लैपिंग विंग्स मौजूद हुआ करते थे जो कि लिफ्ट और प्रोपल्शन को जनरेट करने के लिए बनाए गए थे। वैसे तो लियोनार्डो ने एक फ्लाइंग मशीन का भी इन्वेंट किया था जब उन्होंने पंछियों के पंखों से सीख लेकर लकड़ी का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें बिल्कुल पंछियों के ही तरह पंख बनाए गए थे और साथ ही उनमें पैडल्स लगाए गए थे जो कि एक पुली सिस्टम से जुड़े हुए थे ताकि उसे चलाया जा सके। सिर्फ यही नहीं साइकिल जैसी ही स्टेयरिंग भी उसमें लगाई गई थी ताकि दिशा को भी बदला जा सके। लेकिन उनके जीवन काल में वह पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। यहाँ तक कि उनके बाद भी जिन वैज्ञानिकों ने लियोनार्डो के फ्लाइट मॉडल का इस्तेमाल करके फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश की थी वह भी ज्यादातर असफल ही रहे क्योंकि लियोनार्डो के बनाए गए मॉडल में दो कमियां थी। पहली कमी यह थी कि यदि ह्यूमन पावर्ड एयरक्राफ्ट बना भी दिया गया तब भी उसमें लैंडिंग के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं बनाया गया था और दूसरी कमी यह थी कि उस समय पर इस तरह की किसी भी एयरक्राफ्ट को पावर देने की टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं थी जिसके कारण वे किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को उड़ा नहीं सकते थे। हालांकि बाद में जब इंजन का आविष्कार किया गया तब ही लियोनार्डो का मॉडल सफल हो सका। तो इससे आप यह अनुमान जरूर लगा पाए होंगे कि आखिर लियोनार्डो कितने ज्यादा बुद्धिमान थे और साथ ही वह कितने ज्यादा दूरदर्शी भी थे क्योंकि उनके समय के मुताबिक उस समय ऐसा कोई और नहीं सोच पाया था। लियोनार्डो दा विंसी के बाद जब दूसरा बड़ा प्रयास किया गया था इंसान को आसमान तक पहुंचाने के लिए तब दो भाइयों ने मिलकर हॉट एयर बैलून्स का निर्माण किया था। इन दो भाइयों का नाम था जोसेफ मिशेल और जैक्यूज एंटिने मॉन्टगोल्फियर। इन दोनों भाइयों के बनाए गए हॉट एयर बैलून को 21 नवंबर 1783 को सेंटर ऑफ पेयर से लॉन्च किया गया था जिसमें इंसान भी बैठाए गए थे और वह हवा में लगभग 20 मिनट तक उड़ता रहा। इसी के साथ यह हॉट एयर बैलून फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन कैरिंग फ्लाई टेक्नोलॉजी बन गया था। आज भी इस तरह के हॉट एयर बैलून का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों भाइयों के पहले भी हॉट एयर बैलून बनाए जाने के प्रयास किए गए थे। 19 सितंबर 1783 में पिलेटरे दी रोजर नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले हॉट एयर बैलून को लॉन्च किया था जिसे नाम दिया गया था एरोस्टेट रेविलियन। और आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इस पर जो फर्स्ट पैसेंजर बिठाए गए थे
वो कोई इंसान नहीं थे बल्कि एक मुर्गा, एक बत्तख और एक शीप थी। यह हॉट एयर बैलून हवा में लगभग 15 मिनट तक उड़ता रहा, लेकिन उसके बाद फिर यह क्रैश हो गया था। दोस्तों, आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे भारत के शिवकर बापूजी तालपड़े पहले ऐसे रहे हैं जिन्होंने राइट्स ब्रदर्स से भी पहले फर्स्ट फ्लाइंग मशीन का आविष्कार किया था। शिवकर बापूजी तालपड़े असल में सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में एक इंडियन इंस्ट्रक्टर थे। यह मुंबई में रहते थे और इनका यह कहना था कि इन्होंने साल 1985 में न केवल एक अनमैंड एयरक्राफ्ट का निर्माण किया है बल्कि उसे उड़ाया भी है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि इस विषय पर कोई भी रिलायबल हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट पाया नहीं गया है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी दावा है कि शिवकर बापूजी तालपड़े ने राइट्स ब्रदर्स से 8 साल पहले ही ऐसा एक आविष्कार कर दिखाया था। ऐसा कहा जाता है कि राइट्स ब्रदर्स अमेरिकन एविएशन पायनियर्स रहे हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर दुनिया का सबसे पहला और सक्सेसफुल मोटर ऑपरेटेड एयरप्लेन का निर्माण किया था। यानी कि यह पहले ऐसे इन्वेंटर थे जिन्होंने ऐसे हवाई जहाज का निर्माण किया था जो कि इंजन की मदद से खुद उड़ान भर सकता था। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि ये दो भाई पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एयरक्राफ्ट कंट्रोल का भी सबसे पहले आविष्कार किया था, जिसके कारण ही फिक्स्ड विंग्स पावर्ड फ्लाइट संभव हो सका था, जिसके चलते इन दोनों भाइयों ने सबसे पहली कंट्रोल्ड सस्टेन्ड फ्लाइट को दिसंबर 17, 1930 में अंजाम भी दिया था, जिसमें उन्होंने एक पावर्ड और एक साथ ही एक हैवियर देन एयर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। ऐसा भी माना जाता है कि यह उड़ान साउथ ऑफ सिटी हॉक नॉर्थ कैरोलिना में भरी गई थी। और क्या आप जानते हैं कि कार्ल विलहेल्म ऑटो लिलिएन्थल एक जर्मन पायनियर ऑफ एविएशन थे जिन्हें फ्लाइंग मैन के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने वेल डॉक्यूमेंटेड रिपीटेड सक्सेसफुल फ्लाइट्स को साबित करके दिखाया था, और ऐसा उन्होंने ग्लाइडर की मदद से किया था। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने भी यह उपलब्धि राइट्स ब्रदर के पहले से ही हासिल कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि साल 1891 और साल 1896 के बीच ही इन्होंने एक हाईली सक्सेसफुल फुल साइज ग्लाइडियर का निर्माण भी कर लिया था और उस पर काफी बार उड़ान भी भर ली थी। इनके बनाए गए ग्लाइडियर असल में अनपावर्ड एयरक्राफ्ट थे, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की बिजली या फ्यूल की आवश्यकता नहीं थी। यह पहले ऐसे इन्वेंटर थे जिन्होंने यह साबित कर दिखाया था कि किस प्रकार एक अनपावर्ड एयरक्राफ्ट जो कि हवा से भी भारी हो, यानी कि कैसे एक अनपावर्ड हैवियर देन एयर एयरक्राफ्ट भी एक सच्चाई बन सकता है। आपको यह भी जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इन ग्लाइडर्स में उड़ान भरने के लिए ऑटो लिलिएन्थल काफी ऊंचाई वाली पहाड़ियों से भागकर वहां से कूद जाते थे और फिर इन ग्लाइडर्स के सहारे उड़ान भरते थे। दरअसल ऐसा वे इन ग्लाइडर का परीक्षण करने के लिए करते थे। हालांकि अंत में ऐसे ही एक परीक्षण के दौरान उनका ग्लाइडर से नियंत्रण हट गया, जिसके कारण वे काफी ऊंचाई से गिर गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं ऑटो लिलिएन्थल से ही राइट्स ब्रदर काफी प्रभावित हुए थे और इसलिए राइट्स ब्रदर ने अपने आविष्कार करने से पहले ऑटो लिलिएन्थल द्वारा बनाए गए ग्लाइडर को ही सही से समझने का प्रयास किया था। उड़ान कैसे भरी जाती है, इन पर उन दोनों ने गहरे से अध्ययन किए थे। वैसे तो राइट्स ब्रदर ने भी काफी प्रयास किए थे अपने हवाई जहाज को उड़ाने के लिए, लेकिन कई प्रयास करने के बाद ही वे इसमें सफल हो सके थे। राइट्स ब्रदर के इस आविष्कार के बारे में पहले ज्यादा किसी को नहीं पता था। इनका आविष्कार तब ही लोकप्रिय हो सका था जब साल 1908 में विल्बर राइट्स ने अपने जहाज में उड़ान भरकर फ्रांस पहुंचे थे और लोग उन्हें देखकर बहुत हैरान हो गए थे। इसके कुछ सालों बाद ही उन्होंने यूरोप में लगभग 200 फ्लाइट्स में उड़ान भरी थी और जब भी वे उड़ान भरा करते थे तब लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी उन्हें देखने के लिए। और क्या आप जानते हैं, उनके एक साल बाद यानी कि साल 1909 में ऑर्विल राइट्स ने भी उड़ान भरी थी जब उन्होंने वर्जीनिया से नॉर्थ कैरोलिना तक अपने जहाज में सफर तय किया था। और यह तो आप जानते ही है, इसके बाद किस प्रकार हवाई जहाज का आविष्कार लगातार अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा भी किया जाने लगा। 1 जनवरी 1914 में वह पहली बार था जब फर्स्ट स्केड्यूल पैसेंजर एयरलाइन सर्विस की शुरुआत हुई थी। इसमें एसटी पीटर्सबर्ग एफएल से लेकर फ्लाइट टैम्पा एफएल में लैंड हुई थी। यानी कि यह पहली ऐसी पैसेंजर फ्लाइट थी जिसमें 27 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1960 में फ्लाइट्स आज के मुकाबले उतनी भी ज्यादा सुरक्षित नहीं हुआ करती थी। और ऐसा कहा जाता है कि 1950 से लेकर 1960 के बीच यूएस एयरलाइन ने काफी ज्यादा फ्लाइट क्राइसिस को हर साल अनुभव किया था।
जिसके कारण उस समय कई लोगों की जानें भी चली गई थी। हालांकि आज के समय में इस बात का काफी ध्यान रखा जाता है कि किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। यहां तक कि आज के समय में एयरक्राफ्ट को बनाने से लेकर पायलट द्वारा एयरक्राफ्ट को चलाने तक काफी ज्यादा सावधानी दी जाती है, और साथ ही फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर को भी समझाया जाता है कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है। और न केवल इतना ही, बल्कि आज के समय में तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब हवाई जहाज का इस्तेमाल न केवल एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करने के लिए किया जाता है, बल्कि अब तो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किसी भी मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम में भी किया जाने लगा है। आज के समय में हवाई जहाज न सिर्फ नॉर्मल सी बात हो गई है, बल्कि आज के समय में तो हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष तक भी पहुँच गए हैं, और न जाने कितने बड़े बड़े रॉकेट का भी आविष्कार कर चुके हैं। जहां एक समय पर लोग ऐसा माना करते थे कि इंसानों का उड़ना केवल एक कल्पना है, वहां आज के समय में तो इंसान चांद तक भी पहुंच चुका है, और आगे आविष्कार में नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए ना जाने कितनी ऐसी कहानियां सच होती जाएंगी जिनकी कभी कल्पना भी हमने नहीं की होगी। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आज आपने एविएशन और दी फर्स्ट फ्लाइट्स का इतिहास भी अच्छे से जान लिया होगा कि किस प्रकार केवल एक कल्पना को कुछ इन्वेंटर्स ने दिन रात मेहनत करके सच कर दिखाया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।